21 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला छात्र सम्मेलन छात्र उद्घोष का आयोजन किया गया, जिसके तहत गांधी पार्क के आर्य समाज रोड ठंडी सड़क होते हुए सड़क से माधव चौक छात्र छात्राओं की रैली निकाली गई। इस पूरे सम्मेलन में लगभग 3 से 4 हजार छात्र छात्राएं पूरे शिवपुरी जिले से सम्मिलित हुए। इस पूरे सम्मेलन में मुख्य अतिथि जिला नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा रही, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं को आज के सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देते हुए नव युवाओं द्वारा अपने प्रस्तावों को सबके समक्ष रखने के हौसले को सराहा। साथ ही पूरे सम्मेलन के दौरान भोपाल से क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद चेतक सुखरिया और UIT कॉलेज के डायरेक्टर राकेश सिंघई विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय विद्या परिषद के बच्चों ने एक रैली निकाली है और मुझे लगता है कि जरूरी है। बच्चों की अपनी मांगे होती हैं, बच्चों की अपनी पढ़ाई के लिए लेके कुछ मांगे हैं, कुछ बच्चों को अपने पढ़ाई पे नौकरी के लिए उनकी मांगे हैं, जायज है, होना भी चाहिए। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने और पूरे जिले से मुझे बहुत मतलब ये गर्व की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी इतनी जागरूक है कि पूरे जिले भर से ग्रामीण तक से बच्चे सारे इकट्ठे होके आए हैं और उनमें एक जोश उत्साह जो दिखाई दे रहा है जो युवा वर्ग में होता है, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए बहुत सराहनीय और अच्छी बात है कि देशभक्ति के लिए हमारे बच्चे इतने समर्पित हैं। धन्यवाद। अनुप्रिया तवर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रांत छात्रा प्रमुख। आज हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला छात्र सम्मेलन हुआ है, जिसका नाम है छात्र उद्घोष, जिससे शिवपुरी भर पूरे जिले की इकाइयों से छात्र आए हैं एवं शिक्षा से रिलेटेड जो प्रस्ताव हमने शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे जो इश्यू है वो हमने उठाए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कार्यक्रम देश भर में हर इकाई में हर जिले में हो रहा है। इसमें पहले में एक उद्घाटन सत्र रहा जिसमें विद्यार्थी परिषद के उपलब्धियों के बारे में बताया गया एवं छात्र हितों की समस्याओं जो विद्यार्थी परिषद ने उठाई थी उनका समाधान हुआ एवं कुछ मांगे जो है विद्यार्थी परिषद अभी जैसे किया है, जैसे युवा नीति, विद्यार्थी परिषद ने इस युवा नीति का भी स्वागत किया। विद्यार्थी परिषद की मांगे पूरी हो रही है। हम छात्र हित में जो भी मांगे, जो भी जब भी छात्रों में समस्या आती है, प्रवेश परीक्षा से परिणाम से लेकर जिस भी समस्या आती है, हम समय समय पर उसकी मांग करते हैं। लगभग 3 से 4 हजार छात्र थे, सारी इकाइयों कोलारस, रन्नौर, बदरवास, पिछोर, करैरा, पोहरी, बदनरवर, सभी सतनवाड़ा, सभी कॉलेजेस और सभी स्कूलों की छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।